इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इंडिया में, तो यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे भी ना सेम इंडिया की तरह ही बोर्ड लगे होते हैं कि जैसे इंडिया में होता है ना कि ये ढाबा आने वाला, आगे रेस्ट एरिया है, हमारी सामने सुजुकी की डी मैक्स खड़ी है। वी आर गोइंग टू अंकारा, देन टू इस्तांबुल। कार गुड। टैग यहाँ लगाया तब जाके डीजल भरना शुरू होगा। सिटी से जस्ट 40 किलोमीटर पहले ये टोल टैक्स आया है। हाउ मच? महंगा बढ़ा भाई। तो काफी लोगों को लगता है भाई इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है। वो देखो भाई ट्रेन जा रही है टर्की की। लो भाई आ भी गई मेट्रो 2 मिनट के अंदर अंदर। ये मैं तो टोकन डालना पड़ता है ना यहाँ पे, कुछ नहीं भाई साहब। देख रहे हो स्क्रीन लगा रखी है, पूरी जापान वाली फील आ रही है यहाँ तो। एंड ये भाई टर्की की ट्रैफिक की पुलिस ही। एंड भाई यहाँ पे ना जगह जगह पे ऐसे लॉटरी की दुकानें लगी पड़ी है। ओए होए होए होए। और भाई साहब सिगरेट बहुत पीते हैं लोग यहाँ पे टर्की में, लड़के लड़कियाँ दोनों ही। बीएड मैंने करवाई ना तो उसका नाम है यहाँ पे शकल। चलो आज भाई फाइनली कैपेडोकिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। कैपेडोकिया बोल लो या गोरे में बोल लो, क्योंकि इस सिटी का नाम गोरे में है, वैसे रीजन का नाम कैपेडोकिया है। और अपनी गाड़ी खड़ी है भाई वहाँ पे, तो जाके लगेज डालते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं पहले, उसके बाद छोड़ेंगे यहाँ जगह को। होटल के बाहर वाली पार्किंग फुल पड़ी थी इसलिए थोड़ी आगे जाके लगानी पड़ी, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे साइडों में ना पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं, सबने ही लगा रखी है लगभग। और यार जल्दी जल्दी इस्तांबुल पहुँचते हैं, जो टूटी फूटी पड़ी है ना गाड़ी इसको ठीक करवाना है। चलो जी गाड़ी में सारा सामान सेट कर दिया है, एंड जो कूड़ा कचरा था वो भी डस्टबिन में फेंक दिया। वॉशिंग का भाई यहाँ भी नहीं करवा पाए, बट इस्तांबुल में पक्का करवा लेंगे टाइम निकाल के, क्योंकि यहाँ टाइम लगा नहीं, बारिश आई जा रही थी बार बार, उस चक्कर में भाई वॉशिंग रहेगी। बट बारिश की वजह से ना ठीक है, फिर भी काफी साफ हो गई है गाड़ी। हालांकि जो आगे की तरफ ये मच्छर वच्छर मरे पड़े हैं ये साफ नहीं हुए, ये तो अच्छे से जब प्रेशर वॉश होगा ना तभी होगा साफ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 23 जून 2023, मैं हूँ अभी कैपेडोकिया टर्की में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पहुंचेंगे लंदन यूके में। आज का ये जो सफर होने वाला है गोरे में करके शहर है कैपेडोकिया रीजन में, यहाँ से अंकारा तक का, जो कि अराउंड भाई 294 किलोमीटर है। गूगल मैप 3 घंटे दिखा रहा है तो इतने ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हाईवेज और एक्सप्रेस वे है उनमें भाई 110 या 100 की स्पीड ना आराम से मेंटेन हो जाती है। और अपनी स्कॉर्पियो एन में भी कोई कमी नहीं है भाई, इतनी स्पीड में तो चली जाती है आराम से, एज ए स्मूथ रहती है भाई, कोई बॉडी रोल नहीं कोई कुछ नहीं। तो फटाफट चलते हैं भाई पहले इंडियन रेस्टोरेंट में कुछ खा लिया जाए ताकि पूरे दिन के लिए मस्त एनर्जी रहे, और उसके बाद फिर खींच देंगे। टर्की में टोटल 1157 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी, एंड टोटल बताऊं इस ट्रिप में तो 6099, मतलब 6100, इसमें मुंबई टर्की ईरान सब मिक्स है, बाकी गाड़ी जो है वो 8969 चल गई। तो इस ट्रिप के खत्म होते होते गाड़ी का जो टोटल रीडिंग होगी वो मेरे ख्याल से 26-27,000 किलोमीटर की हो जानी चाहिए, और इस ट्रिप में मेरे ख्याल से 25,000 किलोमीटर के आसपास। दोनों बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट ना हमारे होटल से सिर्फ ऐसे 10 मिनट कह रहा हूँ 10 कदम की वॉक पे थे, यहीं पे गाड़ी लगा देते हैं। खाना तो वैसे वहाँ का भी अच्छा था नमस्ते इंडिया का, बट अभिषेक ने कल रात को खाया था यहाँ इंडिया गेट का, इसलिए यहीं का खाने आया उसे बेटर लगा था यहाँ का। टर्की ना वैसे सेफ है तो गाड़ी में सामान छोड़ सकते हैं, बट जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है ना सबने यूरोप का मना किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई यूरोप में ना बहुत जल्दी चोरी हो जाती है, शीशे वीशे तोड़ के ले जाते हैं सामान, तो सब कुछ संभाल के रखना। बाकी ये यहाँ का सिटी सेंटर है, लास्ट के 2 व्लॉग देख लेना, मैंने दिखाया है कैपेडोकिया के उसमें पूरा। ये जा रहे हैं हम इंडिया गेट इंडियन रेस्टोरेंट, सारी चीजें मिलती है, बट टर्की में भाई इंडियन खाना बहुत महंगा है, ईरान में बहुत सस्ता था। अभी खुला है भाई, ये तो खुला ही नहीं क्या, काफी बड़ा है भाई ये तो उस वाले से भी। मौसम सही हो रहा है भाई साहब यहाँ का, 3-4 दिन तो बारिश ही पड़ी है बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे। चलो सही है, यहाँ से भाई गाड़ी भी दिखती रहेगी अपनी। और ये मेन्यू आ गया, कुछ कुछ चीजें तो भाई नमस्ते इंडिया वाले रेस्टोरेंट से सस्ती है। और यहाँ पे मैंगो लस्सी देखो भाई 90 TL की, यानी कि इंडिया के 360 रुपए। यार रेट ना बढ़ गए टर्किश लीरा के, हमने जब वहाँ एर्जी कैन में इन निकलवाए थे ना 3.7 रुपीज का एक लीरा पड़ा था, और यहाँ पे 4.1 का हो गया है, तो मेरे को लग रहा है रेट और बढ़ेंगे, जैसे अपने साथ वहाँ ईरान में हुआ था ना बंदर आवास में, वही सीन यहाँ चल रहा है आगे जाते जाते। तो
जी आ गया है अपना खाना। यहाँ पर लिया है एक चिकन, दो प्याजा, इसने लिया है आलू मटर, बाकी ये रोटी है तंदूर की बटर वाली, ये आ गए यहाँ के वाइट प्याज, साथ में नींबू। अच्छा है, टेस्ट तो सही है। टोटल भाई 485 तो मान का बिल आया है, यानी कि अराउंड 1800 रुपए के आसपास। ठीक है, दो लोगों ने खा लिया 900 रुपए में, सही है, इतना ज्यादा भी नहीं आया बिल। कैश भी अपना भाई सारा खत्म पड़ा है और कार्ड पे कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ATM है 7-8, यहीं से निकाल लेते हैं। कल रात को भी खाना खाने गए ना, दोनों के कार्ड ही नहीं चल रहे थे भाई, बड़ी मुश्किल से फिर कैश का अरेंजमेंट किया, तो इसलिए कैश हमेशा पड़े रहने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, कभी भी फंसे रस्ते में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। रस्ते में भाई कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, जब कैश ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या। और खाने के 1714 रुपीज कटे हैं। वाला जो आप सामने शहर देख रहे हो ना, ये भी कैपाडोकिया रीजन में ही आता है, और मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, इस तरह से ना यहाँ पे इन्होंने पुलिस की वो लगा रखी है जिससे कि लोगों को लगे कि सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, बट एक्चुअल में भाई ये नकली है। ये है भाई नव शहर, बहुत जगह बोर्ड देखे थे, काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है। एंड वही भाई देखो, हाईवे जो है ना वहाँ पे तो 90 या 100 की स्पीड लिमिट है, बट जैसी कोई सिटी चालू हो जाती है ना, स्पीड लिमिट गिर के सीधा 50 की हो जाती है, बट लोग पता नहीं फॉलो करते नहीं है, क्योंकि सिटी जब चल रही होती है ना तो 50 से ऊपर ही होती है सबकी स्पीड, मैं जितना देखता हूँ। देखो वो आगे वाली गाड़ी जा रही है, वो लग रहा है कहीं से 50, वो 60-70 में ही चलाएगा फिर भी। अब ये टर्की में तो फिर भी ठीक है, यूरोप में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, वरना तो भैया चलान वहाँ पे तो सीधा धड़म धड़ ऐसे यूरोज में काटा करेंगे और बहुत ज़्यादा जेब पे भारी पड़ा करेगा फिर। टर्किश लैंग्वेज में ना काफ़ी वर्ड सेम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इंडिया में, तो यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक। ये प्रॉपर भाई मॉडर्न सिटी है, यहाँ पे घर वर देखोगे ना आप, वैसे वो चट्टानों में नहीं बने हुए, अच्छे से बिल्डिंग बनाई हुई है, एंड अंदर की तरफ जाके शहर है पूरा। मेन हाईवे पे भी ना काफी चीजें मिल जाएगी, बट अगर आपको प्रॉपर सब कुछ चाहिए तो सीधा अंदर घुस जाओ, वहाँ पे आपको मेन मार्केट मिल जाया करेगी। ईरान में हमने जितनी भी गाड़ी चलाई है ना भाई, लगभग हर जगह की रोड काफी साफ सुथरी थी एंड बनी हुई थी, कहीं पे भी गड्ढे वड्ढे नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन टर्की में भाई साहब ऐसे 30-30, 40-40 किलोमीटर के ना पैचेज आते हैं जहाँ पे दूसरी तरफ की रोड पूरी टूट रखी होती है या फिर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, और ट्रैफिक डाइवर्ट करके इधर की तरफ ले जाया जाता है, तो इसलिए इतनी कुछ खास नहीं है यहाँ की रोड ना, ईरान की ज्यादा बेटर थी सड़कें। बट एक चीज अच्छी करी है इन्होंने कि बीच में ना ऐसे छोटे छोटे पिलर लगा दिए रबड़ के, ताकि डिवाइडर की तरह काम करे। जो सीधी रोड जा रही है ना भाई, ये इस्तांबुल की तरफ जा रही है, बट हमें अंकारा जाना है तो राइट की तरफ मुड़ेगा वो रास्ता। अब डायरेक्टली तो राइट है नहीं, इसलिए हमें ऊपर चढ़ा के ऐसे पूरा राउंड अबाउट लेके फिर राइट जाएंगे। यही वाली रोड है जो ऊपर से जा रही है ना, इधर चढ़ना है हमें। ये देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ अंकारा राइट, एंड चारों तरफ भाई खेत ही खेत है, बड़े बड़े खेत है या जमीने पड़ी हुई है, बट है ग्रीनरी पूरी की पूरी। 45 मिनट का सफर पूरा भी कर लिया, पता नहीं चला, देखो 242 किलोमीटर बचे हुए केवल। अब ये सामने यहाँ का टोल टैक्स है शायद से, बट वही है मेरे को लग रहा है ई सिस्टम ही है, क्योंकि हमारी नंबर प्लेट इंडियन है, तो पता नहीं भैया ना यहाँ पे कोई बैठा हुआ है रोकने के लिए, तो चलते जाओ बस। ईरान में भी यही सेम सीन था। ऑलमोस्ट भाई आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है एंड फ्यूल भी कम है, तो जो भी अगला स्टेशन आएगा वहीं पे रुकते हैं और भरवाते हैं एक बार टंकी फुल, फिर सीधा के सीधा हम खींच देंगे अंकारा तक। और मेरे को हल्की हल्की नींद भी आ रही है, तो फिर अभिषेक चला लेगा गाड़ी। फिलहाल गाड़ी भाई इस वक्त ना 114 पे चल रही है, और ऐसी सड़कें या ऐसे चौड़े चौड़े रोड है ना, या फिर आप कह सकते हो कि फील ही नहीं होता है भाई कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है, मतलब लग रहा है 50-60 की स्पीड में हम चल रहे हैं। और मैं अभी राइट साइड वाली यानी कि सबसे स्लो लेन में हूँ, और दूसरी गाड़ी देखो भाई 150-160 पे ऐसे ओवरटेक करके जा रही है। स्पीड लिमिट हर जगह पे वही है 100-110 की, फिर भी भाई पता नहीं इतनी तेज चला लेते कैसे। बट स्कॉर्पियो एन की तारीफ करनी पड़ेगी, SUV है इतनी ऊंची, फिर भी प्रॉपर कंफर्ट देती है, मतलब 140 पे भी हमने इसको चलाया, 140-145 पे, और कोई दिक्कत नहीं होती ना, बॉडी रोल ना ऐसे, मतलब फील होता कि बहुत तेज चल रही है, कंफर्टेबल राइड रहती है पूरी। चलो भाई शुक्र है मिल गया, 5 किलोमीटर आगे है पेट्रोल पंप, वरना तो काफी कम हो रखी थी रेंज, 40-50 किलोमीटर ही चलती बस। यहाँ पे भी ना सेम इंडिया की तरह ही बोर्ड लगे होते हैं, कि जैसे इंडिया में होता है ना कि ये ढाबा आने वाला आगे रेस्ट एरिया है या फिर वॉशरूम है पेट्रोल पंप है, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा होता है कि कितने किलोमीटर आगे है, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। हालांकि इंडिया की तरह यहाँ पे हाईवे पे ढाबे नहीं मिलते आपको, जो इंडियन स्टाइल वाले नॉर्मल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं ग्रोसरी स्टोर की तरह, उसमें से चिप्स विप्स ले लो,
बस यही सब है और कुछ नहीं। सामने देखो भाई पूरा एरिया सुनसान है, इतने बड़े एरिया के बीच में सिर्फ ये दो पेट्रोल स्टेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर भाई सारी वो चीजें है, देखो स्टारबक्स तक है यहाँ पे, और भी है खाने पीने की। उधर की तरफ गैस वाले स्टेशन है एंड ये भाई बाकी डीजल और पेट्रोल का है। हमारी सामने सुजुकी की डी मैक्स खड़ी है तो इसमें तो डीजल ही डल रहा होगा पक्का। ईरान में फ्यूल स्टेशन ना काफी बेसिक से होते थे, बट यहाँ पे भाई प्रॉपर है। वी आर गोइंग टू अंकारा, देन टू इस्तांबुल एंड इस्तांबुल टू यूरोप। यू लाइक इट कार? गुड, सही है भाई, मस्त रिएक्शन मिलते हैं। और यहाँ पर देख लो, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, वी शेल पावर है जो कि के बेंजीन है यानी कि पेट्रोल, तो हमें पेट्रोल नहीं डलवाना, डीजल डलवाना है। ये भी बेंजीन है 95 ऑक्टेन, ये डीजल है। दो यहाँ पे वी पावर और फ्यूल सेफ, तो ये फ्यूल सेफ सस्ता होगा और वी पावर महंगा होगा। हाउ मच 24.32। ओके चलो यही करवा लेते हैं, वी पावर यस, फुल 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 फुल। मेरे मेमलेकेट, व्हाट्स योर नेम? अनमोल। जैसे ईरान में कार्ड चलता था, इनका यहाँ पे टैग सा चलता है, टैग यहाँ लगाया तब जाके डीजल भरना शुरू होगा। 24 लीरा का मतलब है भाई 90 रुपए के आसपास वही। चलो भाई चलो, फुल हो जाएगी मस्त टंकी, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। उसके बाद यहाँ पे भी इंग्लिश कम ही आती है भाई लोगों को, मतलब टर्किश ही बोल रहे हैं सब, बट ये है थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ जाते हैं। ईरान में तो मतलब इतनी भी नहीं आ पा रही थी लोगों को। बाकी एडवांस है यहाँ के पेट्रोल पंप पूरे भाई, देख रहे हो ऐसे, मतलब फील आती है भाई कि किसी डेवलप्ड कंट्री में घूम रहे हो जैसे हम। ईरान में ऐसी फील नहीं आती थी कहीं पे भी, है ना, बट ईरान के लोग बहुत अच्छे थे भाई, फ्री में डीजल मिल जाता था। यहाँ पे फ्री तो छोड़ो भाई, ये हो सकता है कोई मदद कर दे जब हम जरूरत में हो, बट फ्री तो नहीं मिलने वाला। 90 रुपए लीटर है क्योंकि यहाँ डीजल एंड पेट्रोल पंप तक में भी ना यहाँ पे झंडे लगे हुए जगह जगह पे, देख लो टर्की का कितना बड़ा फ्लैग है ऐसे लहरा रहा है मस्त। शेरदन मार्केट टू कार्ड मार्केट, ओके ओके। तो भाई 52 लीटर आया टोटल 1272 लीरा का, यानी कि अराउंड 5000 रुपए के आसपास। एंड यहाँ पे ना इन्होंने ये वाइपर से रखे हुए भाई, जो कि सही भी है। इतने मच्छर है भाई, इतने कीड़े हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ से ला रहे इतने कीड़ों को। मतलब इंडिया में इतनी जगह ड्राइव करा है भाई मैंने, लेकिन इतने कीड़े नहीं देखे कहीं पे भी। इनका खून भी हरा हरा सा है, पूरी विंडशील्ड खराब कर देते हैं, बार बार वाइपर चलाना पड़ता है। देखो वाइपर से भी नहीं हट रहे इतने ज्यादा है भाई साहब। कार्ड पेमेंट के लिए अंदर मार्केट में जाना पड़ता है, और भाई बहुत तेज नींद आ रही है सही में, पता नहीं क्या हो रहा है। रात को नींद तो पूरी हुई थी फिर भी आ रही है। अब तो खैर एक घंटे का ही सफर रह गया, तो थोड़ी सी झपकी लगा लूंगा, क्योंकि अंकारा ना हम आज ही घूमेंगे, और सोच रहे हैं कल ना निकल जाए इस्तांबुल के लिए, क्योंकि यहाँ अंकारा में इतना कुछ घूमने का है नहीं, तो आज में कवर हो सकता है। 4 बजे भी पहुंचे अगर हम, तो यहाँ 8 बजे अंधेरा होता है, 8:30 बजे, तो 4-4.5 घंटे में तो पूरा अंकारा घूम सकते हैं हम। तो प्लान तो अभी का ही है, बाकी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस, काफ़ी बड़ी मार्केट है अंदर, देखो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ भाई, है नहीं आगे की साइड, तो पीछे ही होगा फिर, होगा तो अगर कितनी सारी पानी की बोतल रख रखे देखना। एंड ये एसी है भाई यहाँ के, मतलब उनका आउटडोर यूनिट है जो अंदर चल रहे हैं। कहाँ है भाई, है ही नहीं वॉशरूम तो कहीं भी। बड़ी तेज सुस्सू आ रहा है मेरे को सही में, कहीं नहीं मिला, अंदर मार्केट में जाके पूछना पड़ेगा है या नहीं है। वैसे होगा तो सही, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। और यहीं पर भाई ये इंजन ऑयल वगैरह भी मिल जाता है, एड ब्लू भी मिल जाता है, अभी तो हमें जरूरत नहीं है 60% एड ब्लू, बट ले लेंगे आगे इस्तांबुल में। एड ब्लू नहीं है ही शायद, वाइपर वाला है, बट मिल जाता है एड ब्लू हर जगह पे पेट्रोल पंप पे ना। यहाँ देख लो कितनी बड़ी मार्केट सी है, सब कुछ है खाने पीने के स्नैक्स टाइप का, और इधर खाने में वैसे ये मिल जाते हैं बंद बंद से, और थोड़ी मीठे से डोनेट्स वगैरह, ये भी सही है भाई पिज्जा टाइप का। एंड यहीं पे वॉशरूम है, चलो बढ़िया सही है भाई, अच्छे वॉशरूम बने हुए थे साफ सुथरे से। एंड उससे अच्छी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, लेट्स गो। सिटी से जस्ट 40 किलोमीटर पहले ये टोल टैक्स आया है, और यहाँ पे भाई वो बैरिकेड लगे हुए हैं, यानी कि पैसे कटेंगे। हाउ मच? बोर्ड 111 टर्किश लीरा, 450 रुपए का टोल टैक्स है भाई साहब। तो जी लो 120 दे दिए। वो जो मैंने पिछला टोल टैक्स दिखाया था ना, शायद से वो एंट्री थी, और जब भी आप हाईवे से एग्जिट करने वाले होते हो ना, उधर कटता है टोल टैक्स, क्योंकि एक दो मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, काफी लोग बता रहे थे यूरोप में भी ऐसी होता है कि एंट्री के टाइम पे कोई टोल टैक्स नहीं है, जब आप एग्जिट लोगे ना तब टोल टैक्स कटेगा, तो सेम यहाँ पे कटा, बट महंगा पड़ा है भाई साहब, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जी अंकारा सिटी आ गई है, वो सामने आप देख रहे हो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो काफी बड़ी सिटी है भाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
लग रहा है यहाँ से ही। इधर की तरफ भी भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बट ऐसे गैप बना बना के दी हुई है, देखना कैसे अजीब सा लग रहा है बीच में से। ये भाई लेफ्ट में जा रहा है इस्तांबुल की तरफ रास्ता, हमने राइट ले लिया है। बाहर की साइड में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वेयर हाउसेज वगैरह बने हुए हैं ये सामने, और इधर की तरफ जाके मेन सिटी सेंटर आ जाएगा। अभी तक ना हम टर्की के बाहरी इलाकों में थे, अर्ज़िकैन ले लो, इर्ज़ुरुम ले लो, या फिर अपना ये कैपेडोकिया ले लो, बट जैसे जैसे इस्तांबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना भाई, ज्यादा डेवलप्ड सिटीज आती जाएगी, जैसे उनमें से एक अंकारा भी है। और इस्तांबुल को तो भाई बोला ही यूरोप जाता है पूरा, वहां तो अलग ही नजारे देखने को मिलेंगे। वैसे ओवरऑल सारी सिटीज काफी पसंद आई, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही गांव टाइप के थे, सारी फैसिलिटीज मिल जाती थी, होटल्स भी अच्छे अच्छे थे और खाना भी प्रॉपर मिल जाता था इंडियन रेस्टोरेंट्स में। काफी लोगों को लगता है भाई इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है, अंकारा यहाँ की इकलौती कैपिटल है। इस्तांबुल बहुत 100 साल पहले यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, इसलिए शायद से लोगों को गलतफहमी है, बट अंकारा ही मेन कैपिटल सिटी है और टर्की की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। मेन वैसे सबसे बड़ी इस्तांबुल है, बट कैपिटल नहीं है इस्तांबुल। तो सामने देख सकते हो ये आ गई है सिटी, भाई कितनी बड़ी है, मजेदार। अब वैसे तो अंकारा आने के लिए ना हमने 150-200 किलोमीटर अंदर लिया है, हम बाहर बाहर से इस्तांबुल निकल सकते थे, बट भाई देखो वही बात हो गई कि इंडिया आए और दिल्ली नहीं विजिट किया तो फिर फायदा क्या हुआ ना, तो इसलिए अंकारा आना जरूरी था हमारा। पहले तो हमारा प्लान था यहाँ पे 2 नाइट रुकने का, बट फिर हमने सोचा कि इतना नहीं रुकेंगे, मेन इस्तांबुल में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे ये है, एक नाइट आज की रुक के जितना शाम तक घूमा जाएगा घूम के कल सुबह निकल लेंगे। बड़ी सिटीज में आते ही भाई ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, गाड़ियां भी इतनी बढ़ती है, क्योंकि बाहर बाहर के इलाकों में मस्त होता है भाई, खाली खाली सड़कें पड़ी होती है पूरी। अभी सोचो ये सिटी कितनी मस्त लग रही है, इस्तांबुल कितना ज्यादा बढ़िया होगा इससे भी ज्यादा। वो देखो भाई ट्रेन जा रही है टर्की की, पहले भी देखने को मिली थी बट ये मस्त ही लग रही है यार, बिल्कुल सिटी के साइड साइड से निकलते हुए जा रही है, क्या बात है। और ये बिल्डिंग कैसी है, अजीब गरीब सी, कलर भी सेम चारों बिल्डिंग का, और स्ट्रक्चर हनी बी जैसा लग रहा है, जैसे उनका वो मधुमक्खियों का वो होता है ना छत्ता, वैसे ही बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर ही ले आया भाई। ये तो होटल है हमारा, पैरा सिटी होटल। अब इनकी पार्किंग होनी चाहिए, वरना यहाँ रोड पे कहाँ लगाएंगे, पूछ के आता हूँ कहाँ है। ये तो मार्केट के अंदर ही होटल बना रखा है इन्होंने। हाँ भाई अबे रिसेप्शन ही नहीं है। अच्छा बोरा बोरा सामने है, ओ सही है भाई, यहाँ पे नाई की दुकान है, मेरे को बाल और दाढ़ी दोनों कटवाने हैं। लास्ट मैंने ईरान में ना बंदर अब्बास में कटवाए थे और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डू यू हैव पार्किंग फॉर कार? ओके ओके ओके, सो दैट साइड राइट, कैन यू शो मी द रूम प्लीज। बात हो गई है भाई 700 टर्किश लीरा में माना है, यानी कि इंडिया के भाई 2800 रुपीस। यहाँ पे इनकी पार्किंग है, मतलब वही रोड पे ही पार्किंग करवा रहे भाई, अपनी पार्किंग कोई नहीं है और एक ही स्पॉट खाली पड़ा है कह रहा पार्किंग का, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की चीज़ है, ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं भाई, एरिया भी ऐसा है ट्रैफिक वाला पूरा। वो होटल है ऊपर और नीचे पार्किंग, तो अपने रूम से मस्त होटल, बस ये है कि ऐसा रूम हो कि नीचे दिखती रहे गाड़ी। कितनी ही भीड़ है भाई यहाँ पे, तो गाड़ी ऐसे लोग खड़ी कर करके रोड के बीच में ही चले गए, बस एक ही सिंगल रोड छोड़ रखी है, देख रहे हो सारी जगह पार्किंग पार्किंग कर दी। लो भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन भी आ गई है, और एक ही स्पॉट है जैसे कि मैंने बताया, बट वो है कहाँ ये नहीं पता, वो बंदे को आवाज़ मारनी पड़ेगी या तो शायद। अच्छा तो ये भी होटल का ही गेट है भाई, बट इसके पीछे है तो नहीं पार्किंग, कहीं अंदर ही है, इनके पास ऑटो पार्क ये लिखा ना। चलो ठीक है भाई, इसने ना होटल के नीचे ही लगवा दी, अब रिस्क नहीं है, वरना तो रोड पे थोड़ा सा ना दिक्कत ही आती। चलो जी चेक इन प्रोसेस डन। ये भाई रूम हमारा, बाथरूम भी अच्छा खासा है, एंड वही एक बेड डबल वाला एक सिंगल वाला, डबल तो ये नाम के ही होते हैं भाई, छोटा सा ही बेड है। पीछे की साइड दे दिया भाई इन्होंने रूम, गाड़ी दिख नहीं रही अपनी, उधर है गाड़ी कहीं। एंड हर रूम में ना यहाँ पे देखो हीटर तो लगा ही हुआ है, साथ में एसी भी दे रखा है। इस सिटी में गर्मी है भाई, वहाँ पे कैपेडोकिया में तो मस्त ठंड ठंड हो रखी थी। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। भाई ये किजी ले करके यहाँ का सिटी सेंटर है, अभी यहाँ पे जा रहे हैं हम, और गाड़ी से नहीं जा रहे भाई, मैंने सोचा टर्की आए हुए तो यहाँ की जरा मेट्रो भी एक्सपीरियंस कर ली जाए कैसी है, तो इसलिए गूगल मैप पे लगा दिया नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 700 मीटर पे है, तो आज मेट्रो लेंगे मस्त यहाँ की। इस्तांबुल में भी करेंगे वैसे तो मेट्रो ट्राई, बट यहाँ की भी बनता है भाई, कैपिटल सिटी है ऐसे कैसे है ना। और ये जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ना, ये है भाई उल्लूस करके, ULUS। आ गया जी यहाँ का मेट्रो स्टेशन, लाल कलर में M लिखा हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया उल्लूस नाम है इस जगह का, वही अंडरग्राउंड मेट्रो बनी हुई है यहाँ पे। कार्ड तो नहीं लेंगे मेट्रो का क्योंकि जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल अपना वो सिक्का जो आता होगा ना वही ले लेंगे, मतलब वन टाइम टिकट लेनी है कोई वो नहीं लेना। पास KFC की बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर रखी है, ये देख रहे हो इतना सब कुछ 55 लीरा यानी 200 रुपए में, बताओ दो लोगों की मील सही है। हमें जाना है भाई ये तेमूज किजी लाए मेट्रो स्टेशन तक, फिर उसके बाद वापस से 4 मिनट की वॉक है और हम पहुंच जाएंगे। ये मशीन लगी पड़ी है भाई, यहाँ मशीन लग तो रही है बट इसमें इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज ही नहीं है भाई, पता नहीं अब क्या चक्कर है, ना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। ये रहा भाई टिकट के लिए, यहाँ से मिल जाएगी। नो नो टिकट 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 ग्यारह लीरा की एक पड़ी है, मतलब कि 44 रुपीस की, ठीक है। वही इंडिया वाला ही सीन है शायद से, इतना ज़्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है भाई इंडिया वाला ही। वही ऐसी दुकानें बनी हुई है खाने पीने की, ये सिक्योरिटी चेक का हो गया, बाकी यहाँ पे लगाओ टिकट और अंदर घुस जाओ सीधा। इसके पीछे एक QR कोड लगा हुआ है शायद से, इसके अंदर कार्ड नो टर्किश स्कैनर वैनर पता नहीं भाई, फिर से डाल के देखते हैं भाई, हटाती बलाती क्या लिखा हुआ पता नहीं, अभी तो मैंने डाला था जब तो हुआ नहीं। अरे हो गया भाई, ये क्या बात है, उल्टा डाल रहे थे। हाँ, और ये यहीं पे छोड़ देते हैं टिकट। इसका मतलब ये है भाई, टिकट लगाओ यहाँ पे और सीधा मेट्रो में चढ़ जाओ और किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हो आप, क्योंकि एग्जिट के टाइम पे कोई टिकट नहीं लगानी जब यहीं पे रख ली इन्होंने। ये रहा भाई जहाँ पे हमें जाना है, किस जिले, इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी मेट्रो, या तो यहाँ पे है, यहाँ कहीं भी चले जाओ नीचे। एक मेट्रो उधर की तरफ है, वो किसी और तरफ जा रही होगी लगता है, कोई मेट्रो आई है अभी अभी, लोग उतर तो रहे हैं, तो बंद हो गई जा रही है, चलो छोड़ो। गई भाई ये तो, अब अगली का वेट करना पड़ेगा। लो भाई आ भी गई मेट्रो 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे फर्स्ट डब्बा भाई लेडीज के लिए रिजर्व नहीं है। चलो जी नहीं है भाई, सब कुछ कोई डिफरेंस नहीं है, अंदर से भी सेम बाहर से भी सेम। ये देखो भाई उल्लूस पे है हम, एक स्टेशन आएगा बीच में और उसके बाद ये तीसरा स्टेशन है सीधा किस जिले। एंड पूरी मेट्रो भाई अंडरग्राउंड ही है अभी तक तो शायद से नजारे देखने को नहीं मिलेंगे बाहर के। सीट्स काफी खाली पड़ी है, जबकि शाम के 6 बज रहे हैं इस टाइम, तो वही है छुट्टी उट्टी होती है तो लोगों को ज्यादा यूज करनी होती है, तब भी इतनी भीड़ नहीं है। हो सकता है जिस रूट पे हम हैं वो ज़्यादा इतना बिजी रूट ना हो, कोई और रूट बिजी हो, क्योंकि यहाँ का सिटी स्क्वायर है ना, इसलिए देखो सारी जनता भाई यहीं पे उतर रही है, पूरी मेट्रो ऑलमोस्ट खाली होने वाली है। और दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है भाई, इधर की साइड भी इधर की साइड भी, सही है भैया ये तो मस्त। एंड डब्बे देखो भाई इस तरह से जुड़े हुए हैं। खैर ये तो मैं क्या ही दिखा रहा हूँ, नॉर्मल है भाई, हर देश की मेट्रो में ऐसा ही होता है, कुछ अलग थोड़ी है इसमें, है ना। ये देखो जैसे कि कहा था मैंने, एग्जिट में कुछ भी नहीं डालना, इंडिया में तो टोकन डालना पड़ता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे एग्जिट कर जाओ मस्त। चलो जी तो ये एग्जिट है भाई गाजी मुस्तफ़ा केमल, वही गूगल मैप पे लिखा हुआ था, यहाँ से बाहर जाना है हमें। किसी भी देश का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना भाई, वो काफ़ी सस्ता होता है, चाहे वो बसेज हो, ट्रैम हो या फिर मेट्रोज हो, बट वही है देखो हम तो अपनी गाड़ी से आए हैं, कोशिश करते हैं जितनी चीज़ें दिखा सके आपको लोकल उस कंट्री की, वरना सेंस तो ये बनती है कि गाड़ी है तो गाड़ी से घूमो, बट सिटी सिटी में गाड़ी में घूमने का नुकसान ये है कि एक तो ट्रैफिक मिलेगा, ऊपर से पार्किंग नहीं मिलेगी, तीसरा हम कंटेंट नहीं बना पाएंगे ऐसा मेट्रो का बसेस का आपके लिए, तो इसलिए बेटर है थोड़ा लोकली यहाँ पे एक्सप्लोर करो। एंड ये लो भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ के सिटी सेंटर में, भाई साहब देख रहे हो स्क्रीनें वीने लगा रखी है, पूरी जापान वाली फील आ रही है यहाँ तो, काफ़ी बड़ा भाई सेंटर हब है ये शॉपिंग वगैरह के लिए, इसलिए भीड़ भड़क का भी आपको दिख रहा होगा, तो यहीं पर आज घूमेंगे मस्त और खाना वाना भी देखेंगे, और ब्रांड्स भी काफी सारे हैं सामने हो रहा बर्गर किंग। लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत चलाते हैं ऐसे। एंड ये रही भाई टर्की की ट्रैफिक की पुलिसी। अंकारा की पॉपुलेशन 5.2 मिलियन की है, जो इसे टर्की की सेकंड लार्जेस्ट सिटी बनाती है आफ्टर इस्तांबुल। इसके अलावा अंकारा ना बिगेस्ट इंडस्ट्री सिटी भी है पूरे टर्की की। हाईवे पे आपको मैंने दिखाया ही था काफी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, वहाँ पे बेसिकली वाइन, बियर, फ्लोर, शुगर, मैक्रोनी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, मिल्क, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड ट्रैक्टर्स का जो है वो प्रोडक्शन होता है। रिसेंटली कुछ सालों में भाई ये सिटी टूरिज्म के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ये चीज तो देख ली भाई, फ्लैग ना टर्की के जगह जगह पे लगा रखे हैं इन्होंने। एंड ये प्रॉपर एक शॉपिंग सेंटर है, देख लो बड़े बड़े ब्रांड सारे हैं यहाँ पे, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, और बीच में लोग बैठे भी हुए हैं, जगह जगह पे ना बेंचेस बने हुए हैं, तो मस्त जगह है यार ये, समझ लो पूरा ओपन मॉल है ये या शॉपिंग सेंटर है, सारे ही ब्रांड्स है इधर की साइड भी एंड इधर की साइड भी लाइन से पूरे। एंड भाई यहाँ पे ना जगह जगह पे ऐसे लॉटरी की दुकानें लगी पड़ी है, पता नहीं कितने कितने की है, हमें क्या करनी, खरीद के छोड़ो, हम तो लेंगे भाई ये स्कूटर, सही है दो के दो खड़े हैं, सीधा है भाई स्कैन राइट पे क्लिक करके, ये जो QR कोड दे रखा है ना इसको स्कैन करना है और मस्त अनलॉक हो जाएगी। चलो जी स्कैन करा जाए और लेकर चले इसको, लेट्स गो भाई। चलो जी अपना टाइम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देखो 37% बैटरी है इसमें सिर्फ। अरे भाई इन्होंने तो काट भी लिया 88 रुपीज अनलॉक करने के शायद से। चलो डबल वाला स्टैंड है ना ये, ऐसे करना पड़ेगा शायद, आगे मारो हाँ पकड़ के बस जी। चलो पहली बार चला रहे भाई, बैलेंस करने में दिक्कत होगी, गिर विर ना जाए। A few minutes later. चलो भाई मैंने चलाना सीख लिया अच्छे से, थोड़ा रो हो गया हूँ मैं तो, इसलिए चलाते चलाते मस्त व्लॉगिंग। ओए होए 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 क्या बात है भाई, मजेदार, लेट्स गो। ओए ओए भाई मस्त चीज है सही में, है तो ये दिल्ली में भी बट हमने कभी करी नहीं, और यहाँ पे आगे कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। होए होए स्वाद सा आ गया, तो थोड़ा सा महंगा है बट ठीक है यार, कोई नहीं इतना तो चलता है पैसा उड़ाना कभी कभी, है ना, कमा के इसलिए। मस्त भाई पूरी सिटी नाप सकते हैं इससे, है ना, ऐसे कितने एक घंटे में जैसा भी एंगल आ रहा है ना भाई देख लेना, क्योंकि ना इसमें हाथ नहीं छोड़ सकते, जैसे ही एक हाथ छोड़ते हैं ना डिसबैलेंस हो जाता है पूरा,
तो बस मैं जुगाड़ कर पूरा के व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इसमें वैसे तो फोन होल्डर लगा हुआ है बट व्लॉगिंग के लिए नहीं, अपना मैप वैप देखना हो ना तो यहाँ पे फोन अटका लो और चलते जाओ जहाँ मर्जी। तो कोई जूस वूस की दुकान देखते हैं, मैंगो शेक मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छी चीज ये है कि भाई इसमें ना आप कहीं पे भी ले जाके कहीं पे भी छोड़ सकते हो और जहाँ पे आप छोड़ोगे वहीं तक के पैसे लगेंगे, तो अगली बार जो भी बंदा आएगा वो वहीं से पिक कर लेगा। तो पूरे शहर में इसको लेके डोलो, मस्त है ना, अपने होटल भी मैं तो इसी में जाऊंगा। चलते चलते भाई बिल्कुल एंड तक आ गए, मजेदार चीज है यार, बहुत सही में बहुत मजा आ रहा है। हालांकि हम दिल्ली में करते नहीं है, वहाँ पे भी है योलो करके। भाई पोपट हो गया, रेस लगा रहे थे अभिषेक और मैं होटल तक की, मेरे वाले की बैटरी खत्म होगी रस्ते में, अब पैदल पैदल जा रहा हूँ। लगभग भाई 1 किलोमीटर है यहाँ से, बट कोई नहीं, रस्ते में अगर मिल गया स्कूटर तो ठीक है, वरना पैदल पैदल ही चल लेंगे। और भाई सब सिगरेट बहुत पीते हैं लोग यहाँ पे टर्की में, लड़के लड़कियाँ दोनों ही खुलेआम ऐसे रोड पे चलते चलते। जमीन पे भी देखोगे ना आपको बर्ड्स दिख जाएंगे बहुत सारे, मतलब एक होता है नॉर्मली सिगरेट पीना, एक होता है भाई कुछ ज्यादा ही सिगरेट पीना, यहाँ पे वो ज्यादा वाला ही सीन है, दिन में 5-10 तो फूक ही जाते होंगे या ज्यादा भी हो सकता है पता नहीं। तो भाई बस शॉप बंद ही हो रही थी, मैंने कहा ट्रिमिंग तो करवाई लूँ, कटिंग तो भले ही ना ही हो पाए। हेलो हेलो चलो जी करवा लेता हूँ फटाफट। और यहाँ पे देखो भाई ये प्राइस लिस्ट है, बीएड मैंने करवाई ना तो उसका नाम है यहाँ पे शकल, शकल के है मतलब 30 लीरा, इंडिया के 120 रुपए के आसपास हो गए। तो ठीक है यार, बाल तो नहीं कटवाए, बाल इस्तानबुल ही करवाऊंगा अच्छे से, अभी बीएड हो गई तो बढ़िया। ओके थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू। सारी दुकान नहीं बंद है भाई लगभग। बाकी चलो यार इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, कल फाइनली हम इस्तानबुल पहुंच जाएंगे, बल्ले बल्ले उसके बाद यूरोप। ओके जी टाटा बाय बाय। बेबी गर्ल लव माय बॉप एंड आई लाइक मी टू, नो रूफ ऑन माय टॉप एंड माय बेब सी थ्रू, हैंग ऑन द पिन डोंट स्टॉप शी एंट गोना फीड यू, आई बीन ऑल ऑन माय ग्राइंड सो व्हाई आई नीड यू, बेबी गर्ल लव माय बॉप एंड आई लाइक मी टू, नो रूफ ऑन माय टॉप एंड माय बेब सी थ्रू, हैंग ऑन द पिन डोंट स्टॉप शी एंट गोना फीड यू, आई बीन ऑल ऑन माय ग्राइंड सो व्हाई I swole